प्रतिवर्ष इस प्रकार की परिस्थितियां देश के अन्य अन्य भागों में होती हैं और उसमें हमारा ग्वालियर चंबल संभाग के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त होते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रशासन पूरी तरह चौकस था, मुख्यमंत्री भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जितने भी पॉइंट ऐसे बने हैं जहाँ जहाँ पशु हानि हुई, जनहानि हुई या कुछ लोगों के मकान गिर गए, वहाँ सब जगह प्रशासन की उपस्थिति रही और प्रशासन ने पहुंचकर जिनको राहत पहुंचानी चाहिए थी, राहत शिविरों में शिफ्ट करना चाहिए था, ऐसे लगभग 300 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया, 3 शिविर लगाए और 29 पशु हानियाँ हैं और 8 जन हानि हैं, तो इनके भी सब मुआवजे इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। अभी पानी भरा हुआ है और पानी आगे भी और बढ़ सकता है। क्या जो क्षेत्र है उसमें जब पानी खाली होगा खेतों में तब सर्वे का काम प्रारंभ होगा, लेकिन जन हानि का, पशु हानि का और लोगों के जो आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सब का सर्वे शासन ने कंप्लीट करा लिया है और जल्दी ही उनके जो हित लाभ और मुआवजा है वो डिस्पर्स। गांव तो लगभग 300 से अधिक हैं जहां जो है लोगों का छोटा मोटा आवास का नुकसान हुआ है आंशिक रूप से, लेकिन एकदम बड़ी हानि नहीं है और समय रहते जो डैम का प्रबंधन करना चाहिए था, गेट खोलने चाहिए थे, पानी के निकास का प्रबंध करना चाहिए थे, वो सब प्रशासनिक विभागों ने मिलकर किया है, उसके कारण बड़ी जनहानि से बच सके।